शेफाली वर्मा, शेफाली आप बहुत जल्दी ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, बहुत जल्दी बाहर आए, बहुत जल्दी मैच में थी, ये जल्दी किस लिए थी? देखो जल्दी तो किसी चीज की नहीं थी, बस यही था अपना बेस्ट देना है और जल्दी खत्म हुआ तो अच्छे से हम रेस्ट दे पाएंगे अपनी टीम को और हम सब मजे करेंगे। बहुत अच्छा नॉक था शेफाली आपके लिए, और जिस तरीके से मैंने देखा था आपको दो दिन पहले इसी ग्राउंड के ऊपर लंबे शॉट्स लगा रहे थे अपने कोच के साथ, किस चीज पर आप काम कर रहे थे? जैसे कि आपने मुझे लास्ट गेम में देखा, मैं फ्लिक मारते हुए आउट हुई, तो मैंने उस दिन ट्राई किया कि मैं स्ट्रेट ही मारूं, सामने ही खेलने की सोचूं ज्यादा, एंड थैंक्स टू मैग, उन्होंने भी मुझे बोला आगे कि यू आर डूइंग दिस सो ट्राई टू डू दिस, सो दैट्स हेल्प मी अलॉट, सो थैंक्स टू मैग एंड थैंक्स टू ऑल माई टीममेट्स एंड माई फैमिली। जो लंबे छक्के मारे वो ज्यादा मजा आया देखने में बतौर बल्लेबाज, या चौके कौन सा ज्यादा बढ़िया था? देखो ऑफकोर्स आपको पता है मैं छक्कों से जाने जाती हूँ, तो मैं छक्के बिल्कुल पसंद करूंगी, बट एट द सेम टाइम जो मैंने वर्क किया है वो मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, तो ऑफकोर्स मैं आगे जाके और भी हार्ड वर्क करूंगी और ऐसे ही टीम को स्कोर करती रहूंगी। क्या आपने जब स्कोर देखा था स्कोरबोर्ड पे और गुजरात जायंट्स ने केवल 105 रन किए थे, तो ऐसी कोई सोच थी मेग लैनिंग और आपके बीच में कि आप दोनों ने ही खत्म करना है या दोनों अलग अलग गेम खेलेंगे? देखो सब हम दोनों बैट्समैन यही सोच रहे थे कि हम बेस्ट दे टीम को और हमने दिया, और हमें पता 100 प्लस स्कोर था, बट इतना इजी नहीं था, अगर हम लाइट लेंगे तो हम आउट भी हो सकते थे, बट हमने एट द सेम टाइम एक दूसरे को बैक किया और एक दूसरे को बताते रहे कि प्ले लाइक दिस और यू नो जस्ट हेल्प करते रहे एक दूसरे को, तो वो छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करती है एज अ प्लेयर ऑन द ग्राउंड। सो या आखिरी सवाल, अगर आप पहले बैटिंग करते तो क्या टारगेट सोच के बैटिंग करते इस पिच पे? देखो विकेट बहुत अच्छा था, फर्स्ट इनिंग मैंने उनका बैटिंग करते हुए देखा तो बॉल बहुत अच्छा स्किट हो रहा था, तो आई थिंक 200 प्लस ही जाता मैं बोलूंगी, बट हाँ हमें टारगेट मिला, हम उस पर उतरे और खड़े उतरे और हम ऐसे ही परफॉर्म करने की सोच रहे हैं और अब एक दूसरे को बैक करने की सोच रहे हैं। बस इसी तरीके से लगे रहिए शेफाली, आपको देख के बहुत मजा आता है जब आप इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।